लखीमपुर खीरी में इस बार अभूतपूर्व मतदान प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी इस बार मतदान प्रतिशत को लेकर बेहद संजीदा दिख रहे हैं। खीरी में इस बार 90% मतदान का प्रतिशत रखा गया, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर के साथ उनकी पत्नी अल्पना भी इस मुहिम में शामिल है। विकास भवन के कार्यक्रम में नए मतदाताओं को सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें भी प्रशस्ति पत्र दिए गए, जिन कर्मचारियों ने नए मतदाता बनाने में खासी रुचि दिखाई। निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर ने बताया कि इस बार उन्होंने 90% मतदान कराने की रणनीति तैयार की, इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आत्मविश्वास के माध्यम से, जनता के प्रयासों के माध्यम से, सभी के सहयोग के माध्यम से, सभी की प्रेरणा के माध्यम से बिल्कुल संभव है। 90% के हम लोग 95-96% तक पहुँचते हैं। इस बार का नारा है लखीमपुर खीरी ने ठाना है, अब की बार 90% के पार। बिल्कुल ये कहना चाहूँगी महिलाओं से कि वो इस बार बढ़ चढ़ के मतदान में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत जो सरकार आती है सब कुछ होता है उसमें मेन तो घर चलाने का और सबका श्रेय तो महिलाओं को ही जाता है, तो उनका भी पूरा ही पूरा रोल इम्पोर्टेंट होता है मतदान के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सब लोग सारा काम छोड़ के सबसे पहला काम 23 फरवरी को यही करें कि वोटिंग करें, और इस बार अपने जो लखीमपुर खीरी का लक्ष्य जो बनाया गया है उससे बढ़ चढ़ के उसको भी पार करने की कोशिश करें कि 90 के भी पार हो जाए, 95 तक जितना हो सके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने हक के लिए, अपने आगे के लिए, अपने फैमिली के लिए आगे आएं और बढ़ चढ़ के मतदान में पार्टिसिपेट करें। हाँ, मैं थारू के साथ तो ज़रूर चलाऊंगी, क्योंकि मुझे, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनके हैंडीक्राफ्ट्स और सबसे, और इसलिए मैं आगे चल के ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ इस फील्ड में ज़रूर करूँगी। लखीमपुर खीरी से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट।